हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड। वंस अगेन आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने पहले आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। देखिए, जब आप वेट लॉस करने जाते हैं तो आपका मसल लॉस होता है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और आपको वीकनेस भी बहुत लगती है। तो ज्यादातर ये वेट लॉस के अंदर ही होता है स्पेशली। और फैट लॉस में आप जाता ऐसे नहीं होता, फैट लॉस में कई लोग वेट लॉस की तरह से लेते हैं, पर फैट लॉस वेट लॉस दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। वेट लॉस मतलब जिस किसी का मान लीजिए 100 kg है, 110 kg वेट है, उसको वेट लॉस करना है, उसकी हाइट 5'6" है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेट है उसका, तो उसे वेट लॉस करने के लिए डॉक्टर से 1200 कैलरी 1300 कैलरी का डाइट प्लान रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम वेट है, उसे चला फिरा जाता है, उसकी शुगर बहुत ज्यादा है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके शरीर में इतने ज्यादा फैट जमा होने से, वेट का ज्यादा होने की वजह से, तो वो ये सब सिम्टम्स पैदा होने लग जाते हैं। इसलिए डॉक्टर उनको कम डाइट खाने को कहते हैं ताकि धीरे धीरे उनका वेट जो है नीचे आने लग जाए। तो उसमें उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्पेशली, पर बेटर है उनको भी, पर बाद में उनको भी एक अच्छे डाइट प्लान पे आना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक 1100-1200 कैलोरी रहना पॉसिबल नहीं होता है। फिर उनको थोड़ी देर अपनी डाइट को स्विच करते हैं, इनका इंटेंसिटी बढ़ता है करता है, वो अपनी डाइट को स्विच करते हैं दूसरी डाइट की तरफ, वो अपना प्रोटीन टेक बढ़ाते हैं, कार्ब्स को कम ही रखते हैं और फैट जो है मिनिमम रखते हैं, अच्छे फैट, तो धीरे धीरे उनका वो बैलेंस कर लेते हैं, तो वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। फैट लॉस में क्या होता है, फैट लॉस में आप अपनी बॉडी पूरी बिल्ड कर चुके हैं स्पेशली, अब आपको सिर्फ अपनी मसल्स को गेन करना है, स्पेशली आपको कटिंग लेके आनी है, तो आप अपना आप चाहेंगे कि आपका सिर्फ फैट आपका कटे, आपकी मसल लॉस नहीं हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना प्रोटीन जो है 50% रखेंगे स्पेशली, और काफ जो है वो आप 30% पे रख सकते हैं, और जो फैट जो है वो 20% रखते हैं, मतलब 50 मतलब 60 70 80 और 90, मतलब टोटल 100% हो गया आपका। आप ऐसा करेंगे तो आपका मसल गेन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन आप इंटेक हाई कीजिए और इसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का यूज कीजिए फैट लॉस करने के लिए। तो इससे आपका ओट्स हो गया, कॉर्न हो गया, ये भी कॉर्न भी चले, वैसे कॉर्न हाई ग्लिस में बट इट्स ओके, चलता है कॉर्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका स्प्राउटेड बीन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आपके, चिक पीज हो गए आपके, एग हो गया, चिकन हो गया आपका, ब्राउन राइस हो गया, तो मैं इस टाइप के आप काफ लीजिए। और डिनर जो है डिनर हाई प्रोटीन रिच डिनर कीजिए, डिनर में ज्यादा काफ लेने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैवी इंटेक नहीं, थोड़ा बहुत काफ आप ले सकते हैं बैलेंस रखने के लिए ताकि बॉडी एनाबोलिज्म में रहे, कैटाबोलिज्म में नहीं जाए। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो फैट लॉस और वेट लॉस में दोस्तों यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इस चीज को आप समझ जाएंगे तो आप इजिली आप कर सकते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना वेट लॉस और फैट लॉस को लेकर, वेट लॉस एक डिफरेंट चीज है, फैट लॉस डिफरेंट है। फैट लॉस के लिए डाइट बहुत डिफरेंट होती है, वेट लॉस के लिए डाइट डिफरेंट होती है। फैट लॉस में आप डाइट एक्सट्रीम, वेट लॉस एक्सट्रीम मतलब टोटल लो कैलोरी डाइट पे बिल्कुल नहीं जाते हैं फैट लॉस के अंदर। फैट लॉस में आप एक बैलेंस मील लेके चलते हैं, अच्छी मील्स आप प्रिपेयर करते हैं अपनी हाई प्रोटीन डाइट के साथ ताकि आपकी मसल्स गेन हो और आपका फैट रिड्यूस होने लग जाए धीरे धीरे। तो दोस्तों बस मैं इतना ही बताना चाहता था। तो अगर आपको वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस अगर पसंद आता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दिस इज विकास, हमें ऐसे ही प्यार करते दीजिए और हमारे वेबसाइट और ब्लॉग को भी जरूर विजिट करें, वहां पे भी हम लोग कोशिश मैं करता रहता हूँ कि वहां पे भी इन्फॉर्मेशन डालता रहूँ। थैंक यू सो मच।